दोपहर के 12 बज चुके हैं और ये अभी तक सो रही है। आज बालकनी में भी नहीं आई, क्या बात है? बैल बजाऊं या नहीं? बजाई देता हूं। तुम क्या काम है और क्या चाहते हो और रोज यहाँ गली में चक्कर क्यों लगाते हो? एक साथ इतने सारे सवाल। तुम आज दिखी नहीं बालकनी में, तो सोचा कि घर जाके तुम्हारा हाल पूछ लेता हूँ। अच्छा, तुम्हें देख के तो लग रहा है कि शायद तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। ठीक है, तो जल्दी बताओ क्या काम है, मुझे रेस्ट भी करना है, सर दर्द से फटा जा रहा है। आज तो घर में दवा भी नहीं है और बाहर जाने का मन भी नहीं कर रहा है। अरे तो तुम क्यों टेंशन ले रही हो, मैं हूँ ना, मैं लाके दूंगा तुम्हें दवाई। बट तुम तो अजनबी हो, फिर मेरी इतनी हेल्प क्यों करते हो? अपने भी बन जाएंगे, उससे पहले आपको दवाई लाके देता हूँ। ठीक है, तो जल्दी जाओ, दरवाजा खुला छोड़ रही हूँ, सीधा अंदर आ जाना। ठीक है। ये लो दवाई, इससे तुम्हारा सरदर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये बाम तुम्हारे लिए। रौनक, मैंने कहा था सर में दर्द है, ये बाम क्यों? तुम कल जब जा रही थी मैंने देख लिया था कि तुम्हारे पैर में मोच आई हुई है, इसलिए लाया हूँ। हाँ, कल धोखे से मोच आ गई थी। रौनक, अजनबी होके जब तुम मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो ना, तो बाम खुद ही लगा दो। ठीक है, तुम बोल रही हो तो बाम भी लगा ही देता हूँ। नजर उधर, इधर नहीं। ठीक लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, बाम भी लगा दिया है और टैबलेट भी दे दी है, अब आप आराम करो, मैं निकलता हूँ। आप आराम करो। बाय बाय। अरे आओ। तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा ऐसा, लेकिन जान सकता हूँ क्यों? अब अजनबी होके तुमने मेरी इतनी मदद की है तो थैंक यू बोलना था, और ये भी जानना था कि आखिर तुम चाहते क्या हो। एक्चुअली मेरा नाम रौनक है और मैं केबल ऑपरेटर हूँ। आपके एरिया में जितनी भी केबल लगी हैं सब मैं ही चेक करता हूँ और मैं ही देखता हूँ। केबल देखते हो? हाँ, लेकिन तुम तो सुबह शाम गली में घूमते हो, सिर्फ मुझे देखते हो। अरे नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, मैं तो अपना काम करने आता हूँ, कनेक्शन चेक करने आता हूँ कि सही से चल रहा है या नहीं। और फिर एक दिन मैंने आपको देखा और उस दिन से तो आपका दीवाना बन गया। लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड है। ओके, तो क्या हो गया मैडम, आजकल तो वैसे भी ट्रेंड है बॉयफ्रेंड बनाने का, अगर एक और बना लोगी तो क्या हो जाएगा? मैं वैसे नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं वैसी बना दूंगा। क्या बकवास है ये, निकल जाओ यहां से, चलो जाओ। पहले देख भी तो लो। क्या ये?
ये जब मैं उस दिन कनेक्शन करने आया था तब आपको देखा कि आप नहा रहे थे बाथरूम में, तो मैंने सोचा क्यों ना आपका वीडियो बना लिया जाए और इसको अच्छे दामों में वेबसाइट पे बेचा जा सकता है। लेकिन उससे पहले सोचा कि उससे पहले आपसे डील कर ली जाए। लेकिन क्या गारंटी है इस बात की कि दोबारा मुझे ब्लैकमेल नहीं करोगे? रौनक एक रेसिपी को दोबारा टेस्ट नहीं करता, समझी? क्या हुआ भाई, तू क्यों सदमे में आया? बोल कुछ क्या हुआ? भाई यार रौनक भाई, अपनी बंदी से ना परेशान हो गया हूँ यार। वो शादी करने के लिए पीछे पड़ी हुई है यार, तेरे को पता है ना मैं फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी नहीं कर सकता यार। मेरे पापा सारी प्रॉपर्टी दीदी के नाम कर देंगे। ठीक है, तू टेंशन मत ले, मेरे पास एक प्लान है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ और ड्रिंक विंक कम पी, समझा? परेशान मत हो। तुम्हारा सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वाह यार, सही है तुम्हारा। मेरे से शादी करने का ये रीजन था ना? आज के बाद से ना दोबारा शक्ल दिखी हो।